हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आईटीआर सपोर्ट चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि आप पता है, आज 31 तारीख साल का आखिरी दिन है। तो साल के जाते जाते यहाँ पे एक खुशखबरी निकल के आ रही है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने UP SSSC ट्यूबवेल ऑपरेटर का एग्ज़ाम पिछली बार जो कि पेपर रद्द होने के कारण कैंसिल हो गया था, तो उसके संबंध में आज UP SSSC की वेबसाइट पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं, ये 31 दिसंबर की नोटिस है जो कि आज ही नोटिस आई हुई है। और इस नोटिस में फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात यहाँ पे बताई गई है कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो एग्ज़ाम है जो कि रद्द हो गया था, उसका एग्ज़ाम यहाँ पे 12 जनवरी यानी कि अगले महीने की जो 12 तारीख आने वाली है, 12 जनवरी को प्रातः 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक में एग्ज़ाम का आयोजन कराया जाएगा। और आप ये एग्ज़ाम देख सकते हैं कि गोरखपुर, आप यहाँ पे देख सकते हैं गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली और मेरठ में दिनांक 12 जनवरी 2019 को परीक्षा कराई जाएगी ट्यूबवेल ऑपरेटर की। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ट्यूबवेल ऑपरेटर की परीक्षा की तिथि आ गई है, तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब लग जाइए। और मुझे पता है कि आप लोग पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे, और जिन लोगों का अन्य एग्ज़ाम है तो वो लोग तो पढ़ ही रहे हैं प्रॉपरली। जैसे जिन लोगों का रेलवे का एग्ज़ाम है तो उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि रेलवे रेलवे ALP का सिलेबस अगर आप देखा जाए और ट्यूबवेल ऑपरेटर का सिलेबस काफ़ी मेल खाता है, क्योंकि ट्यूबवेल ऑपरेटर में भी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे, और बाकी थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी फिटर विटर तो सब उसमें भी पढ़ना है और इसमें भी पढ़ना है। और मैथ रीजनिंग तो आप पढ़ ही रहे होंगे, बाकी बची हिंदी। तो हिंदी जो 25 नंबर के आने वाली है, तो आप वीडियो का पेपर जबकि कुछ दिन पहले हुआ था, आप लोगों ने देखा था कि हिंदी में व्याकरण के पोर्शन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, ये सब, कारक, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो आप इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। और मैं आपको हिंदी की तैयारी के लिए बता दूं कि लूसेंट की बुक बेस्ट है। हिंदी के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले बार भी ट्यूबवेल ऑपरेटर में जो भी क्वेश्चन आए थे वो लूसेंट से आए थे। तो आप प्रयास करें कि जो 12 दिन है इसमें हिंदी में जो लूसेंट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लूसेंट बुक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको लगा लेंगे अगर, तो आप वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाले होंगे। और लगभग 25 में से आप वहाँ से 18 से 20 नंबर आसानी से कर सकते हैं अगर आप उसको अच्छी तरह से तैयार कर ले तो। और बाकी मैथ और रीजनिंग तो बेसिक लेवल की, पिछली बार सीधे सीधे फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक ऐसे करके पूछा था, तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। और रीजनिंग बाकी आप थोड़ा रीजनिंग पे आप कथन निष्कर्ष वाले पोर्शन पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन उससे ज़रूर आएंगे। अभी वीडियो का पेपर हुआ था उसमें पूरा आपने देखा था कि पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया था रीजनिंग का। तो जिन्होंने रीजनिंग वीडियो का पेपर दिया होगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो के पेपर अगर आपको तो आपको अगर वीडियो के पेपर कहीं से मिल जाए तो आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। वैसे उसमें जो है लेवल थोड़ा ज़्यादा ही हाई था, उतना हाई लेवल का आएगा नहीं, बट फिर भी आप उसमें से जो कथन निष्कर्ष वाले सवाल है उसको लगाने का प्रयास करें। और बाकी जो नॉर्मल रीजनिंग आप पढ़ते रहते हैं वही सब आएगी। और रही बात वो जो साइंस इंजीनियरिंग वाली, तो आप बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आप बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट उसके देख सकते हैं। आप मटेरियल वाला चैप्टर अच्छे से कर लीजिएगा, पिछली बार वेल्डिंग से काफ़ी क्वेश्चन उठाए थे तो आप वेल्डिंग को अच्छे से देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत मोटर और जनरेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। और फिटर का थोड़ा बहुत मटेरियल वाला चैप्टर, और जो फिटर के कटिंग टूल्स वगैरह होते हैं, टूल से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और पिछली बार भी बने थे, तो उसको देख लीजिएगा। और बाकी सेफ्टी वगैरह से 2-3 क्वेश्चन बन गए थे पिछली बार, तो आप सेफ्टी वाला पोर्शन भी अपने अच्छे से तैयार करें। तो यही सब है, आप अब 12 दिन बचे हैं, तो आप अपनी तैयारी को चरम सीमा पर पहुंचा दीजिए और कोई भी कोताही मत बरतिए। 12 दिन अच्छे से तैयारी कीजिए और ज़रूर आप लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें सीटें, इसमें ये काफ़ी पहले की वैकेंसी है। और जो इसमें स्टूडेंट आधे तो एग्ज़ाम देने ही नहीं आएंगे, आधे ही बैठेंगे, तो इसमें जो अच्छे से मेहनत कर लेगा उसके निकलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं इस एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आज की यही न्यूज़ थी। आज न्यूज़ आई तो मैंने सोचा आप लोगों को जानकारी जल्दी से दे दी जाए ताकि सबको पता चल जाए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको पता पड़ जाए कि ये एग्ज़ाम 12 तारीख को होने वाला है। अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें इसको, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।